खबर है श्री फतेहगढ़ साहिब तो जिथे राष्ट्रीय बाल्मीक सभा वालों त्रिमूर्ति मंदिर माधोपुर विखे हर साल की तरह चेतना सम्मेलन करवाया गया। इस मौके भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री नरेश सरीन और लोग सभा के सबका डिप्टी स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल ने विशेष मेहमान वजो शिरकत की, जबकि भाजपा के जिला प्रधान दीदार सिंह भट्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के सूबा प्रधान एस आर लद्दड़ सबका मंत्री डॉक्टर हरवंश लाल सेंटर बाल्मीक सभा दे चेयरमैन गेजा राम बाल्मीक समाज सेवी जसवीर सिंह चड्डा शरणजीत सिंह चड्डा ते पलविंदर सिंह भट्टी ने विशेष मेहमान वजो शिरकत की है। इस मौके चरणजीत सिंह अटवाल ने संबोधन करदे कहा कि अज मशीनी युग का समय इसलिए हर व्यक्ति का सिक्ख्यत होना बहुत जरूरी है। हुण ओह समा नहीं आवेगा कि बाबा जीवन सिंह पैदा होवे अते गुरु गोबिंद सिंह जी रंगरेटा गुरु का बेटा का खिताब देन। अज दे समय विच जेकर साढ़े बच्चे सिक्ख्यत होणगे तां ही मुकाबला कर सकणगे, इसलिए अपने बच्चों नूं सिक्ख्यक करो। इस मौके राष्ट्रीय बाल्मीक सभा के चेयरमैन कुलदीप सहोता ने जिथे आए मेहमान का धन्यवाद किया उत्थे ही उन्होंने आउण ते सन्मान वजो सरोपे भेंट किए। उन्होंने कहा कि समय की लोड़ है कि साडे समाज नूं जाग जाना चाहिए, जेकर समाज का भला करना है तां तुहानूं सत्ता दे विच आउणा पवेगा। जेकर साडे समाज दे लोक विधानसभा जां लोक सभा दे विच जाणगे तां ही समाज दे हक्कां दी गल करनगे, तां ही समाज दीआं लोड़ां नूं पूरा कीता जा सकदा है। इस मौके होर उन्होंने की कहा आओ सुणदे हां पूरी खबर। पहली गल ते प्रबंधकां दा कुलदीप जी दा ते दूसरे सारे साथियों का राजेंद्र कुमार जी का सारियां दा ही बहुत बहुत धन्यवाद दी हां प्रबंधकां दा जिन्होंने मैं समझना कि प्रोग्राम किया चेतना दिवस का भगवान वाल्मीकि जी की याद में, तो मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवादी ऋणी हाँ। बाकी मैं समझना कि भगवान वाल्मीकि जी अपने समय के महान आत्मिक आगू सन, राजनीतिक फिलासफर सन, अमर साहित्यकार सन। जिस तरीके रामायण योग विशिष्ट वर्गिया और उन्होंने इतिहास रचिया, वो दुनिया के महान राइटर सन। जिस हालात में उन्होंने माता सीता जी ने बना दी वो बहुत बड़े परवरदगार सन। जिमें उन्होंने लव कुश जी ने सिक्ख्या दी, इस तो पता चल रहा है कि बहुत बड़े वो एक महान जरनैल भी सन। तो इस करके अज का जो समाज चल रहा है जिद असी विचर रहे हाँ बाप बेटे का की संबंध होना चाहिए, किहोजा बाप बेटा अपने बेटे नूं चाहुंदा, धी किहोजी होवे, अपना भरा किहोजा होवे, ये जिहड़ा अज दा इस समाज जिस विचों विचर रहे हैं ये भगवान वाल्मीकि जी की देन है। असी धन्नवाद उन्होंने करते। बाकी जितों तक मैं गरीब भाईचारे नूं कहना, गरीब भाईचारे तो मेरा अपना भाईचारा तो है ही है। वाल्मीकि जी मजहबियां दा रविदासियां दा नाल ये भी मैं समझना कि पछड़िया वर्ग जिहड़ा है वो मैं सिर्फ इन्हां नूं नहीं समझदा अपने भाईचारिआं नूं, बल्कि मैं जिहड़ा गरीब किसान है ना जिहदी एक एकड़ दो एकड़ जमीन है उन्हूं भी समझना पछड़े वर्ग, जिहदा दुकान है छोटी जी मैं उन्हूं ही इस भाई गरीब भाईचारा समझना। मेरी इको ही एक जो दुनिया च मंग है, जो मैं दुनिया देखी है अपने देश तो जिहड़ी मेरी मंग है वो देश दे सामने, वो ये है कि बई सानू साडा देश उन्नी देर तक दुनिया का महान देश नहीं बन सकता। दुनिया का महान देश बनाने लिए जरूरी है कि असी अपने बराबर बच्चों, चाहे वह किसी कॉन्वेंट स्कूल CBSE रन स्कूल च पढ़े, चाहे वह किसी होर ICSE रन स्कूल च पढ़े, चाहे वह सरकारी स्कूल च पढ़े, विद्या जिहड़ी है इक्को जी बराबर एजुकेशन होनी चाहिए। इस करके तीसरी गल जी मैं कहना चाहना, मैं पिछलिया सरकार मैं पिछलिया सरकार भी वेखिया, पर मैं समझना कि जो लोगों का गरीब लोगों का साढ़े पछड़े वर्ग के लोगों का कल्याण करने जो स्कीम मोदी जी ने चालू कीतिया, देखो एक गल मैं स्पष्ट करना चाहना वो ये कि मोदी जी का अपना तो कुछ उन्हें किदे लिए करप्शन करनी है, किदे लिए माड़े काम करने हैं। इस करके उन्होंने जो काम करना जो सोचना वो देश के प्रति सोचना, देश के प्रति वो करते हैं। उन्होंने जितों तक फॉरन संबंधा का मैं गल करा, उन्होंने साढ़े देश को दुनिया के तख्ते
बड़ा चंगा प्रभाव दिता है और बड़ी सोहनी साड़ी अज पोजिशन दुनिया में, मतलब साढ़े हिंदुस्तान की मोदी जी ने बनाई है। तो मैं ही समझना जितों तक साढ़े गरीब भाईचारिया उन्होंने फैसिलिटी दी, चाहे गैस देन दा है, चाहे आटा दाल स्कीम दे, कई मेरे वर्ग जिहड़ियां उन्हां दीआं स्कीमां दित्तियां ने, सेंटर दीआं स्कीमां दित्तियां ने, उन्हां नूं अपनियां स्कीमां ही समझ के लोकां नूं कह के कि साडियां स्कीमां ने, उहदा कहिंदे ने उह शलाघा लोकां कोलों लैणा ही चाहुंदे आ। असलियत इह कि स्कीमां जिहड़ियां ट्रूडो ने फिर कहा कि भारतीय एजेंसियां दा हाथ आ कि जिहड़ा निज्जर साहिब दी मौत, किवें देखदे हो उन्हां? देखो मैं समझना दोनों सरकारों नू अपना जिस तरीके ना भी है इन सुलझा लेना चाहिए था मसले नू। मैं तो यही कहूँगा, मतलब उस मैं ये कहना चाहना कि जरूरी है, हालात ऐसे ने देश के, मैं समझना कि कोई मोदी जी तो बगैर साढ़े लिए कोई होर चारा नहीं। मोदी जी ने जिते देश के दे लोगों प्रति सेवा भावना काम की है, जिम्मे पहले कह कि करप्शन का उस बंदे एलीगेशन नहीं लगता कि करप्शन करेगा, ती तोरनी नहीं, नूं लियाउणी नहीं उन्हें। इस करके मैं समझना कि वह देश के दे बारे सोचता, देश के दे बारे करता, इस करके वह जो ईमानदार आदमी जिन्हें मैं समझना कि देश लिए सोचना, देश लिए करना, उन्होंने दोबारा लियाउण की लौड़ है, उन्होंने होर समा देने की लौड़ है। मेरी है आने वाले समय च आप चाहे पंजाब दीआं चोणां होण, चाहे देश दीआं लोक सभा दीआं चोणां होण, चाहे कितने भी असंबली दीआं चोणां होण, देश विच मैं समझना कि मोदी जिदे हाथ मजबूत करने लिए भारतीय जनता पार्टी जिताना साढ़े लिए बहुत जरूरी है। चर्चा बनी हुई है कि तुसी इस बार लोकसभा इलेक्शन लड़ोगे? नहीं, ये देखो पार्टी का काम है, मेरा नहीं, मैं ना मेरा कबूता, जेकर टिकट मिलती है नहीं, ये पार्टी का काम है, टिकट देना ना देना, लड़ाना ना देना, मैं तो गरीब वर्कर हाँ, मैंने जो पार्टी जिस तरह से कहेगी करा। वालों भगवान वाल्मीक जी की जयंती के उपलक्ष्य के विच समर्पित कार्यक्रम रखा गया जिस सारे समाज को इकट्ठा करके भगवान वाल्मीक जी के जिहड़े दर्शाया रस्ता हैगा उसते समाज चले, इस वास्ते सारा समागम रखा गया। और मैं अपने वालों भारतीय जनता पार्टी पंजाब वालों जिते नतमस्तक होना भगवान वाल्मीक जी के चरणों च, उत्थे मैं एक अपील जरूर करनी चाहवांगा समाज कि आओ अज दे दिहाड़े आप प्रण करिए कि असी भगवान वाल्मीकि जी के दिखाए रस्ते चलांगे और उन्होंने जिहड़ा सानूं रस्ता दिखाया है समाज एकता का, भाईचारे का। और जे मैं कहां कि भगवान वाल्मीकि जी के जे रामायण ना लिखते तो अज असी बहुत सारिया चीज़ों तो दूर होंगे। धर्म नाल जोड़न दा जिहड़ा रस्ता उन्होंने दिखाया उहदा कोई सानी नहीं। ते आओ अज दे दिहाड़े ते आपां सारे प्रण लईए कि उन्होंने दिखाए रस्ते चलीए, उन्होंने विचारां दे उत्ते चलीए और उन्होंने अपने जीवन च जिहड़ा हैगा वह अपनाइए तां कि असीं समाज की और देश की रक्षा कर सकीए, समाज और देश नूं उपर लैके जा सकीए। राष्ट्रीय वाल्मीकि सभा के चेयरमैन साहब सकलदीप सिंह सोहता साहब उन्होंने दी समुची टीम वल्लों भगवान वाल्मीकि जी के परकुंड दिवस में समर्पित चेतना समागम जिहड़ा कीता गया, जिहदे विच साढ़े अनिल सीन जी सीनियर आगू बीजेपी और साढ़े सर चरणजीत सिटवाल साहब और सर श्री एस आर लदर जी चेयरमैन साहब एस सी बिंग पंजाब सारे आगू साहबान आए हैं। मैं उन्होंने जी आया आखना लख लख बधाई देना, बहुत वधिया समागम होया। समागम का समाज जी समाज के जागरूकता लियाउण की गल आ, जिथे हजे भी कोई कमी आ वो दूर होवे, साडा समाज तरक्की करे, साडा देश तरक्की करे, इहदे वास्ते बड़मुला योगदान मैं समझदा अज दे समागम दीआं। मैं प्रबंधकां नूं सोता साहब नूं सारे सज्जणां नूं लख लख बधाई दिंदा, तुहाडा भी धन्नवाद करदा कि तुसीं आए इत्थे और सारे जिहड़े बहुत ही अक्रॉस पार्टी लाइनज अज बाबा जी के दिन में समर्पित सारे आए उन्होंने जी आया। अज राष्ट्रीय वाल्मीकि सभा वालों भगवान वाल्मीकि चेतना सम्मेलन करवाया गया और इस दे विच धार्मिक ते राजनीतिक पार्टियां दे लीडर साहिबान पहुँचे ने और साढ़े राष्ट्रीय वाल्मीकि दे बहुत सारे आगू सवेर तो लेके हुण तक प्रोग्राम चलता रहा, सत्संग चलता रहा,
सो मैं सारे जिन्हें साढ़े पोलिटिकल धार्मिक लोग इतने पहुंचे ने लीडर मैं उन्होंने दिल दिया ढगाइया तो धन्यवाद करदा और मुबारकबाद दिना सारे देशवासियों को जिन्होंने भगवान वाल्मीकि दे दिहाड़े ते हाजरी लवाई है। सो जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। श्री फतेहगढ़ साहिब तो दीप सूद की रिपोर्ट।